नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में यह बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने घर की कोई भी दीवाल हटाकर रूम को या हॉल को बड़ा कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो है कि दीवाल को किस तरीके से तोड़ना है जिससे कि आपका मकान भी नहीं गिरे और लेंटर के नीचे एक सपोर्ट बीम भी पड़ जाए ये देखिए सपोर्ट बीम इसमें डाली गई है आपको दिख रहा है लेंटर के सपोर्ट के लिए एक नंबर में पहले दीवाल ऐसी थी दो नंबर में तोड़ने के बाद इस तरीके से रूम बड़ा हो गया है हॉल मानिए हॉल हो गया है ये तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने एक रूम है पहले ये रूम दस बाई बारह का था लेकिन इसको बड़ा किया गया दीवार तोड़कर कर ये यहाँ से दीवार को तोड़ा गया है जहाँ से आपको टाइल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस एरिया में पहले एक दीवार थी तोड़कर लेंटर के नीचे सपोर्ट बीम या लटक बीम आप कह सकते हैं वो डाला गया है इस वीडियो में इसी चीज़ को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आसानी से लेंटर के नीचे आप सपोर्ट बीम बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं और दीवार को तोड़ एक बड़ा हॉल बना सकते हैं ये आपको बीम दिख रहा है यहाँ पे पहले एक दीवार थी इसको तोड़ा गया बहुत आसानी से दोस्तों ये देखिए दस फीट लंबी है ये दोस्तों इसके ऊपर भी रूम बना हुआ था पहले से वो रूम कुछ इस तरीके से था ये देखिए पहले यहाँ जो है ये रूम है इसके नीचे अभी मैं आपको कमरा दिखा रहा था जो मैंने बड़ा किया दीवार तोड़कर और ये ऊपर कमरा ग्यारह बाई बाईस का है ये इस दीवार को आपको तोड़ना है और यहाँ पे सपोर्ट बीम डाल के दीवार को हटाना है पहले आपको जो जहाँ बीम डालनी उस एरिया को मार्क कर दीजिए दस इंच तक दीवार तोड़ दीजिए ऊपर के रद्दे चार निकाल दीजिए रद्दे निकालने के बाद आप सत्रह इंच भी तोड़ सकते हैं दो तरीके से आप इस बीम को डाल सकते हैं मैं वह आपको बताऊंगा नौ इंच आपको किस तरीके डालना है कि नौ इंच की बीम छः इंच की खड़ी ईंट और दो इंच का मसाला ये सत्रह इंच वाला मैटर है और अगर आपको डायरेक्ट बीम फंसानी है तो आप नौ इंच तोड़कर Uh, दस इंच तोड़ के आप बीम को डाल सकते हैं बहुत आसानी से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दस इंच जो है किस तरीके से दस दस इंच जो है तोड़ कर आपको बीम किस तरीके से लगानी है ये देखिए मैंने जो मार्क किया था मैंने ऊपर के तीन रद्दे या आप चाहें तो चार रद्दे निकाल सकते हैं फर्स्ट दीवाल पहले गिराने की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन तोड़ने से पहले आपको लेंटर में सपोर्ट के लिए बल्ली वगैरह लगा देनी है जो मैंने अभी इसमें आपको दिखाई है कि लेंटर के सपोर्ट के लिए किस तरीके से बल्लियाँ लगाई गई हैं दो 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 तीन तीन बल्ली आप लेंटर के दोनों तरफ से लगा सकते हैं देखिए मैंने पूरे ऊपर के तीन रद्दे निकाल दिए हैं ये 10 इंच के लगभग हो जाता है आप ऊपर के और जो है बहुत ही आसानी से तीनों रद्दे निकाल दीजिए आपके पास वाइब्रेटर या हेम्बर वग़ैरह है आप उसे तोड़ के निकाल सकते हैं ये देख फिर मैंने क्या किया छत से जाकर तीन तीन फिट में तीन छेद किए हैं नौ बाई नौ के तीन छेद मैंने इसलिए किए हैं कि इन्हीं छेदों से मैं किस तरीके से बीम को डालूंगा वो आप देखेंगे किस तरीके से बीम को मैं भरूंगा मसाला इसमें कंक्रीट का किस तरीके से भरा जाएगा वो मैं आपको इस छेदों से डाल के दिखाऊँगा बहुत ही आसानी से ये भर सकते हैं देखिए मैंने जो है नौ इंच की बनी हुई भीम इस गैप में डाल दी है ये देखिए दोस्तों ये देखिए सरियों से बनी हुई नौ इंच की पाँच एम एम के सरिया से आपको डालनी है अगर आपको थोड़ा बड़ा डालना है ये वैसे दस फिट की है टोटल मैंने इसको फंसा दिया है जो कटिंग की है उसमें और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है इसको फंसाने से पहले इसके नीचे पोलोथीन बिछा देनी है पूरे इस बीम के नीचे तब इस बीम को रखना है और पोलोथीन दोनों तरफ उधर और इस साइड एक एक मीटर लटकती होनी चाहिए उसका मैं आप फायदा आपको बताऊंगा जैसे पोलोथीन इस साइड आप जो है एक मीटर लटका दीजिए कमरे के दूसरे साइड भी एक मीटर नीचे तक लटा लटका दीजिए जब आप शटरिंग लगाते हैं दोनों तरफ से तो पोलोथीन सटरिंग के अंदर होनी चाहिए और प्लाई के ऊपर से निकली हुई होनी चाहिए जिससे कि जब आप ऊपर से मटेरियल भरेंगे ये देखिए मैंने शटरिंग कर दी दोनों तरफ आपको आ, कमरे में दोनों तरफ सटरिंग इसी तरीके से कर देनी है मजबूती से करनी है जिससे जब मटेरियल ऊपर से भरा जाए तो ये गिरे नहीं नहीं तो आपका मटेरियल पुला जो है फैल जाएगा ध्यान रहे पोलिथीन जरूर नीचे बचाना है और इस शटरिंग के ऊपर से पोलिथीन निकालनी है और अंदर बीम रहना चाहिए उसके जिससे कि जब आप मटेरियल ऊपर से भरोगे तो मटेरियल आपका इधर उधर बहेना और मटेरियल को गीला करके भर उसके अंदर डालना देखिए इन छेदों से अब मैं छत के ऊपर से मटेरियल भरूंगा इन छेदों के ऊपर से नीचे आपको बीम दिख रही है बनी हुई दिख रही है ना दीवार के ऊपर रखी मैंने दीवार क्योंकि नहीं तोड़ी थी ये आपको पता है अब इन्हीं छेदों से गीला मसाला मटेरियल को भरना है इसीलिए मैंने पोलोथीन बिछवाई है कि इधर उधर नीचे आ, बहे ना हो और आसानी से पूरी बीम भर जाए दोस्तों ध्यान रहे कि आपको वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करना है इसमें इस छेद में डाल के वाइब्रेटर जरूर चलाना है थोड़ी थोड़ी देर में जिससे कि बीम आपकी मजबूत भरे और एकदम प्लेन भरे ये देखिए ये बीम दिख रही है आपको दिख रही है कि नहीं आपको ऐसे ही ये देखिए दूसरा छेद तीसरा आप देखिए मसाला बना के मैंने कंक्रीट का और इनके अंदर डालना शुरू किया है अब ध्यान रहे इसमें वाइब्रेटर पक्का चलाना है डाल के वाइब्रेटर चलाओगे तो ये मसाला गैप नहीं रहेगा कहीं और अच्छा भरेगा और गीला भरना है नीचे पोलिथीन लगी है तो बहेगा नहीं इधर उधर ये आपको ध्यान रखना है ये देखिए भर रहे हैं मिस्त्री ये देखिए वाइब्रेटर वाइब्रेटर इसमें डाल के छेद में सभी छेदों में डाल डाल के चलाने हैं ये देखिए नीचे शटरिंग लगी हुई है और ऊपर से मसाला भरा जा रहा है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ठोक के बिल्कुल भरना है वाइब्रेटर चलाओगे तो ऊपर तक बिल्कुल भर जाएगा कोई गैप नहीं रहेगा बीम में ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल और थोड़ा बहुत अगर कहीं गैप रहता है तो बाद में जब ये हटाना है तो मसाला भर देना है दो दिन बाद आप इसको हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दीवार के ऊपर पूरा लोड आ जाएगा अब ऐसे हटाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है नीचे से सटरिंग वटरिंग लगानी पड़ती है वो तो गिरने का भी डर रहता है और आप निकल निकल भी नहीं सकते हैं देखिए फिर शटरिंग हटाने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी दीवार तोड़ने के बाद बीम निकलेगी ये यहाँ की मैंने देखी ये दीवार तोड़ दी है ये दोनों तरफ क्या है नौ नौ इंच दीवार छोड़ देना है ये दीवार है ना मैंने देखिए नौ इंच यहाँ से छोड़ दिया है नौ इंच छोड़ने से क्या होगा कि ऊपर ये जो आपने बीम डाली है इसी के ऊपर ही रखी रहेगी दोनों तरफ आपको ऐसे ही छोड़ना है या तो आप दीवार की नौ इंच की दीवार है तो नौ इंच की दीवार में छेद करके भी आप इधर उधर फंसा सकते हैं ये देखिए ये मैंने इधर दीवार में घुसेड़ दी और उधर घुसेड़ दिया है और ऐसे मैंने इसमें ऊपर से मसाला इसको भर दिया है बढ़िया ये बन गई है दीवार को मैंने बाद में तोड़ दिया बहुत आसानी से कोई दिक्कत नहीं हुई दीवार लगभग आप दस बारह चौदह दिन बाद आप तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से गर्मियों में आप बारह तेरह दिन में तोड़ सकते हैं सर्दियों में आप लगभग पंद्रह दिन के बाद दीवार को आपको तोड़ना है और ये देखिए आपके सामने एक बड़ा हॉल हो गया है अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो मैंने एक सत्रह इंच जगह तोड़ने के लिए बताई थी वो किस लिए बताई तो दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों ये आपको बिल्डिंग दिख रही है और यहीं पर हमें एक जो है बीम डालना है जितना ये गैप बचा है इस गैप में बी, आ, मैं बीम डाल चुका हूँ तो दोस्तों ये जो है सत्रह इंच वाला जो मैंने तरीका बताया उसको यहाँ पे अपनाना है उस तरीके से अगर आप उस तरीके से नहीं डाल सकते हैं तो सत्रह इंच वाले तरीके से आप बीम डाल सकते हैं जैसे ब्लू कलर की लाइन जो गई है लेंटर है यहाँ पर और लेंटर से नीचे की तरफ आपको तोड़ना है सत्रह इंच यानी आपको चार या पाँच रद्दे निकालने हैं तब तो आपके सत्रह इंच हो जाएंगे चार रद्दे में भी आपका सत्रह इंच हो जाएगा चार रद्दे आप तोड़ दीजिए ऊपर से लेंटर से नीचे की तरफ के और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो सत्रह इंच तोड़ते हो यहीं पे आपको जो है उस सरिये से बने कालम को फंसा देना है नीचे और फिर क्या करना है उसमें आपको सटरिंग करनी है ये देखिए सटरिंग ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये सटरिंग दर्शाई गई है उसके बाद उसके बाद जो सटरिंग के ऊपर जगह बची है ये आपकी आठ इंची है आठ इंची में छः इंच की खड़िंजा ईंट को पूरे में जोड़ना है खड़िंजा इंच के नीचे एक इंच मसाला रखना है और ऊपर एक इंच मसाला ईंट के ऊपर रखोगे तो आपकी आठ इंच हो गई तो टोटल दोस्तों आपकी सत्रह इंच जगह हो गई है और बिना लेंटर में छेद करे हुए आप इस तरीके से भी लेंटर के नीचे एक सपोर्ट भी दे सकते हैं यह सत्रह इंच वाला तरीका था तो आप ऐसे काम करने से पहले अपने मिस्त्री से ज़रूर जानकारी ले लीजिए और उसी के हिसाब से फिर आप अपने घर में काम करवाइए अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद